सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 323वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 8वें अध्याय का प्रथम पाद देख रहे हैं और इसमें पीछे हमने 14वें अधिकरण तक देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, रेष्ठ संख्या 2192, सूत्र संख्या 17, इसके अंतिम में जो पंक्ति है, एतत् शब्दगतम लिंगम अर्थगतम अपि गणत्वम। इसमें शब्दगतम और अर्थगतम जो लिंग है, इसमें भेद कैसे? हाँ, देखिए, इन्होंने जो दो वचन दिए हैं, द्वादशाहेन यजेत और द्विरात्रेण यजेत, ये दो तुलना में है। तो जब हम शब्द की रचना देखें तो पहले संख्या है और फिर कालवाचक शब्द है अह, तो द्वादश और अह, और इधर द्वि और रात्र, दोनों कालवाचक हैं यानी दोनों अहोरात्रवाचक हैं, तो इसलिए अह और रात्र में तो कोई अंतर देख ही नहीं रहे हैं, ये स्पष्ट कर ही दिया है। तो ये है शब्दगत लिंग साम्य, पहले संख्या दी, अब संख्या का तो भेद होगा ही, वहां द्वादश है या द्वि है, कहीं षट है, ये तो अंतर इतना तो होना ही है, लेकिन है संख्या, प्रथम शब्द संख्या है और दूसरा शब्द काल का वाचक, दिन या रात्रि का यानी अहोरात्र का वाचक है, ये तो शब्दगत लिंग हो गया। शब्द का स्वरूप जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारे को दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, ये इसके कारण से ये आया है। हाँ, अह और रात्र, ये अहोरात्र के वाचक हैं दोनों जी, तो ये शब्दगत साम्य ही है, शब्दगत साम्य है ये। अह का अर्थ भी काल है और रात्रि का अर्थ भी काल है? नहीं, ये कालवाची शब्द हैं, अह भी कालवाची शब्द है और रात्र भी कालवाची शब्द है, इस रूप में, ये काल के पर्यायवाची के रूप में नहीं है, लेकिन ये कालवाची शब्द है, ये शब्द का स्वरूप है। हाँ, ये दिखाई दे रहा है हमारे को, और आप कालवाची नहीं कहें तो ये दोनों अहोरात्रवाचक हैं, जैसा भाष्यकार ने कहा है। ये तो अर्थ हो गया, ये नहीं, ये अर्थ नहीं हुआ, शब्द के स्वरूप को, शब्द का स्वरूप इसमें, पहले तो संख्यावाची शब्द हैं, अब यूं तो द्वादश और द्वि, इनमें भी स्वरूप में भेद है, संख्या सामान्य, तो संख्या लिया ना हमने, अब संख्या को आप कहो कि संख्या तो अर्थ लिया है, ये द्वादश और द्वि आप शब्द को ही लोगे तब तो साम्य नहीं है, आपने संख्या लिया तो आपने अर्थ ले लिया है, तो जाति ले ली इनकी, लेकिन ये जो शब्द का स्वरूप दिखा रहा है, ये भी संख्यावाची है, ये भी संख्यावाची है, ठीक है। और इधर अह और रात्र, ये दोनों कालवाची हैं या यूं कहो अहोरात्रवाची हैं, ये प्रस्तुति जो विधि की जा रही है इसमें साम्य है, ये शब्दगत साम्य हुआ। अब अर्थगत साम्य कि जो द्वादश है वो दिनों का समूह है, अहर गण है, गणत्व है उसमें, समूह है, दो है उसमें भी समूह है और द्वादश है उसमें भी समूह है, किन का समूह है? अहोरात्रों का समूह है। अब ये शब्द की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, अब ये अर्थ की दृष्टि से देख रहे हैं, समूह है, बस इतने को देख करके इसको गणत्व, अर्थगतम अपि गणत्व, गणत्व को यहां पर अर्थगत साम्य की दृष्टि से देख रहे हैं। गणत्व का संबंध अर्थगत के साथ केवल जुड़ा, अर्थगत के साथ में, हाँ, इन्होंने अल्पविराम लगाया ही है, एतत् शब्दगतम लिंगम, ये अल्पविराम बात पूरी हो गई, ये शब्दगत लिंग है और अर्थगतम अपि, अर्थगत जो है वो क्या है? गणत्व, गणत्व ये अर्थगत है और गण क्या है वो आगे बता दिया इन्होंने। और ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2195 पर
23वें सूत्र के भाष्य की ऊपर से तीसरी पंक्ति के आगे जो दो उदाहरण दिए हैं साध्यस्क के और साहस्र के, तो इनमें किस तरह से सामान्य देख रहे हैं दोनों उदाहरणों में, पूर्व साध्यस्क और उत्तर साध्यस्क और पूर्व साहस्र और उत्तर साहस्र? देखो, पूर्व साहस्र जो है प्रकृति वाला, उसमें तो सहस्र दक्षिणा है ही, उसके लिए यहां वचन नहीं दिया उन्होंने, वो तो सिद्ध है। लेकिन उत्तरवर्ती में भी ये वचन मिल रहा है, उससे समानता दिखा रहे हैं, ये उत्तरवर्ती का वचन है। तो इन्होंने लिखा है जैसा पूर्वस्मिन साहस्रे सहस्रम दक्षिणाम आमनाय, सहस्र दक्षिणा को कह करके, वो वचन यहां नहीं है। उत्तरस्मिन दर्शयति, उत्तर में, उत्तर वाले साहस्र में ये वचन मिल रहा है कि जो 1000 से अधिक देता है तो वो उस लोक में उतना ऊंचा जाता है, उससे और ऊंचा जाता है। यथा योग्य यानी यथाक्रम है, इधर जितना इधर बढ़ेगा तो उधर भी बढ़ेगा, इसको क्या कहते हैं, समानुपातिक जो भी कहेंगे, रेशियो जो है उनका अनुपात है, प्रोपोर्शनली वो बढ़ेगा, ये जितना जैसे बढ़ेगा तो वो उधर भी बढ़ेगा। इस कथन को करते हुए इन्होंने, यानी बढ़ेगा तो सहस्र से अधिक बढ़ने की बात कर रहे हैं ना, तो सहस्रपना तो यहां पर भी दिखाई देगा, यद्यपि सहस्र को सीधे सीधे नहीं कहना चाहते, अभी तो बढ़े हुए को कहना चाहते हैं, लेकिन सहस्र वहां पर कथन आ गया, इस दृष्टि से समानता होगी। तो एक चिन्ह दिख गया कि भाई ये धर्म वहां पर जा रहा है, इससे पता लग गया, संकेत लग गया। हाँ, अगले वाक्य में कि इसमें पहले वाले साध्यस्क का भी वचन दिया है, वो क्या है, पूर्वस्मिन साध्यस्क, तो सांडस त्रिसंवत्सर सोम क्रयण स्पर्धमान, तो सोम का क्रय करने के लिए गौ का प्रयोग किया गया, वो यहां पर भी किया गया तो वहां पर भी किए, लेकिन यहां पर सांड लिया गया और वहां पर स्त्री गौ लिया गया, ये तो भेद किया ही गया है। और उसमें ये स्पर्धमान करने वालों के लिए है, लेकिन गौ तो ली जा रही है, सोम के क्रय के लिए गौ, गौ मतलब पुंग गौ और स्त्री गौ दोनों का शब्द ग्रहण होता है, गौ शब्द से संस्कृत में गौ शब्द से दोनों का ग्रहण होता है। हम यूं बोलते हैं अब हिंदी में तो गौ बोलते हैं या गाय बोलते हैं, तो सामान्यतः स्त्री गौ लिया जाता है, अकेले में वो भी लिया जाता है, लेकिन गाय बैल दोनों का भी ग्रहण होता है, एक ही स्त्रीलिंग में ही बोला जाता है वो। तो यहां पर भी गौ से है सोम का क्रय और वहां पर भी है, लेकिन उद्देश्य अलग अलग है, उसी तरह से तैयारी के, तो ये भी समानता होगी दोनों में। हाँ, और कोई? हाँ, इसी में यहाँ पे जो हमने देखा था साध्यस्क में, यहाँ पर सोम का क्रय स्पर्धमाना नाम का था, जो हाँ, स्पर्धा कर रहे हैं उसमें तो त्रिसंवत्सर सांड का कथन था, लेकिन जो स्त्री गौ वाला है वहां व्यावृत्ता ही येषां स्पर्धिता, हाँ, इनकी स्पर्धा व्यावृत हो रही है, स्पर्धा भी जुड़ रही है, बिल्कुल, इससे इन दोनों वाक्यों की एक वाक्यता हो जाएगी, जहां स्पर्धा होगा त्रिसंवत्सर सांड, बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छा संकेत है कि वहां स्पर्धा के लिए कहा गया और जहां स्पर्धा नहीं है, जिनको स्पर्धा नहीं है वो ये ले ले, तो जुड़ गया ना उसमें, स्पर्धा वाला शब्द एकदम सीधा जुड़ रहा है, ठीक है, स्पर्धमाना नाम यानी भाव है तो उसका अभाव कथन किया जा रहा है, तो उससे जुड़ी भी बात हो जाएगी उसमें, ठीक है। और पृष्ठ संख्या 92 उत्तर 21 शतम 2192 पृष्ठ, तत्र अधिकरणे यद अस्ति अहरगणेषु द्वादशायिक धर्मता अतिदेश, तो द्वादश इतनी अहिनात्मक द्वादश अथवा सत्रात्मक द्वादश? दोनों होंगे, उसमें अहिनात्मक होंगे तो अहिनात्मक द्वादशायिक धर्म चले जाएंगे, और सत्रात्मक होंगे तो सत्रात्मक द्वादशा के धर्म चले जाएंगे। इसमें आपने जो पीछे पूछा था इसी पृष्ठ पर, नहीं इस पर नहीं पूछा था आपने, ठीक है, वो मैं बताऊंगा अभी, वो पशुबंध और वाला था, वो भी बताता हूँ। और अगले 94 पृष्ठ संख्या 2194 तृतीय पंक्ति, पत्नय उपगायन्ति, तो अस्मिन् विषये मम प्रश्न, गायनम तो ऋत्विजा कुर्वन्ति, पत्नी नाम विषये कथं? पत्नी भी करती है ना उसमें, पत्नियां भी करते हैं, इसके लिए वो बोला करते थे अपने प्रांजपे जी
भाई ये कहता है ना कि वेद मंत्रों को महिलाएं ना बोलें, ऐसा जो पौराणिक लोग कहते हैं, तो उसमें उनके लिए भी कुछ बोलने के लिए रहता है उसमें। और वो कहा करते थे कि अगर स्त्रियां पढ़ी भी नहीं होंगी तो वो कैसे करेंगी इसको। ठीक है अधिकांश में बैठी है, लेकिन कहीं तो उनको बोलना ही पड़ता है, शुद्ध उच्चारण हो ये हो, वो कैसे करेंगे। तो अनेन पुनः मैं प्रश्न कि गवा मायनिकम कथम साधे। हाँ गवा मायन में अनेक यजमान होते हैं, तो अनेक यजमान है तो अनेक यजमान पत्नियां होंगी। यहां जो पत्नी या बहुवचन है इससे ये संकेत मिल रहा है, नहीं तो एक ही होता ना, एक वचन ही होता है यहां पर। अब आप यहां जाति में बहुवचन नहीं कर पाओगे, जाति में बहुवचन भी होता है ना। हाँ तो प्रथम दृष्टया तो यहां बहुत है तो बहुत का ही ग्रहण होगा, अगर वो संगत नहीं लग रहा है तो हम जाएंगे कि हाँ नहीं जाति में बहुवचन कहा गया है। नहीं अन्यत्र या कुत्रापि बहुपत्नी न हो, नहीं केवल गवामयन में, गवामयन में होती है उससे संकेत मिल रहा है, बाकी जगह तो एक ही यजमान होता है, एक यजमान होता है और एक ही यजमान पत्नी होती है। वहां वो प्रकरण भी आया था यदि दो पत्नियां हो तो क्या करें, तो दोनों तो नहीं बैठेंगी, बैठेगी तो एक ही। अनेक पत्नियां होते हुए भी वहां तो एक ही पत्नी का कथन आएगा, ये रीति जाते यजमान नहीं, वो इस संदर्भ में थोड़ा है जो नहीं, वो फल की दृष्टि से है, जितने ऋत्विक होते हैं वो यजमान होते हैं पत्नियां भी नहीं वो, लेकिन वो यजमान फल की दृष्टि से होते हैं, उन्होंने त्याग उनका होता है, द्रव्य उनका होता है, लेकिन वहां जो कार्य कर रहे होते हैं याग से संबंधित वो सब यजमान का कार्य थोड़ा ना कर रहे होते हैं। वो कोई अधूरी होगा, कोई ब्रह्मा होगा, कोई उद्गाता होगा, वो सब अपना अपना काम करते हैं, तो उनकी पत्नियां थोड़ा ना होती हैं वहां पर। तो केवल जो वास्तव में मुख्य यजमान के नाम से जो यजमान है उसकी पत्नी होगी, और बाकी के भले ही यजमान की तरह हैं, वो यजमान हैं लेकिन अभी यजमान का काम नहीं कर रहे हैं, उनकी पत्नियां नहीं होंगी वहां। द्वादश अधिकरण अस्मिन् एव पृष्ठे निकायिनाम उत्तरेषु पूर्व निकाय धर्म उत्तरेषु अधिकरणम्। अत्र प्रश्न कि अत्र यागानाम संघातो भवति तो तेषाम एकमेव फलम भवति उत भिन्न भिन्न फलम भवति। प्रधान याग के अंतर्गत जितने भी याग हैं तो उन सबका कुल मिलाकर के तो एक ही होगा, जो जिस कामना से जो मुख्य प्रयोजन है वो पूर्ति होगी, तब उसमें प्रधानापूर्व अन्य जब हैं वो प्रधानापूर्व में ही अपना अपूर्व सम्मिलित करते हुए फल को देते हैं। उसमें अंगों के अलग अलग अपूर्व नहीं माने जाते, स्वतंत्र माने ही नहीं जाते, ऐसा पक्ष तो अन्य मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन कहीं जो अंग होते हैं उनके भी अपने अंगापूर्व अलग से माने जाते हैं, अंगापूर्व भी हैं और फिर वो प्रधानापूर्व के साथ जाएंगे। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका अपना अपूर्व होता ही नहीं है, वो प्रधानापूर्व को ही बनाने में लगते हैं, उनका अपने आप में कोई अपूर्व नहीं बनता है, प्रधानापूर्व को ही बनाने में वो सहायक बनते हैं, वो सगुण होंगे तो फल की उत्पत्ति होगी, नहीं तो अपूर्व की उत्पत्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। और कुछ उसके अंदर अंगापूर्व भी होते हैं अलग अलग, उनका अपना अंग है, लेकिन वो अंगापूर्व स्वतंत्र रूप से फल नहीं देते, वो अंत में फिर प्रधानापूर्व के साथ मिलकर के फल देते हैं, तो वो भी व्यवस्था देखी जाती है। आचार्य बढ़िया मामा प्रश्न, ऐसा सिद्धांत तो सर्वत्र सामान्य रूपेण यागेषु भवति, परंतु अत्र ये तो ये निकाय यागो अस्ति, अत्र सर्वे एव प्रधाना भवन्ति वा सर्वे एव प्रधाना यागा भवन्ति। हाँ, सब प्रधान है, ये जितने भी ये निकाय हैं ये सब प्रधान है, निकाय एकस्मिन् निकाय बहव यागा भवन्ति। हाँ नहीं केवल याग ही नहीं, उसमें बहुत सारे कर्म हैं, कोई याग हो ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। जो संघात औत्तराधर्य ऊपर नीचे रूप में अवस्थित होता है वो याग ही हो नहीं, और बहुत सारे कर्म भी हो सकते हैं। अब ये तो निकायों की स्पष्टता है कि भाई निकाय में कैसे होता है, ये नियम यहां भी लगने चाहिए सामान्यतया, लेकिन उनमें से कौन सा नियम यहां पर लगता है ये तो बिना प्रमाण के नहीं बोला जा सकता। नव सप्तनवति पृष्ठ संख्या। हाँ हिंदी भाषायां विवरणे तृतीया पंक्ति। हाँ
कर्ता स्वर्ग की कामना वाला तथा आग्नेय आदि यागों का समुदाय इन सब की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो तत्र आग्नेय आदि यागा अंगानि भवन्ति उत पृथक पृथक रूपेण वो भवन्ति समुदाय रूपेण तत्र भवन्ति। समुदाय रूपे होते हैं ना, प्रधान याग के अंतर्गत ये याग हैं आग्नेय आदि, उनका समुदाय है। इति कर्तव्यता पुनः अंग मध्य तो भेद न होते, ये भी मोटे तौर पर कहो तो इति कर्तव्यता में आएगा, लेकिन प्रधान याग है उसके अंतर्गत ये छोटे छोटे याग भी हैं, उनकी अपनी भी इति कर्तव्यता है, और अगर उसको आप प्रधान याग की दृष्टि से देखोगे तो वो उसके अंतर्गत भी आएगा, और प्रधान याग की अपनी इति कर्तव्यता भी है। प्रधान याग की अपनी इति कर्तव्यता है, अंग यागों की अपनी अपनी इति कर्तव्यता है, ये तो है ही, लेकिन उसको मुख्य प्रधान याग, जिस प्रधान याग के नाम से इन सबका नाम रखा गया है, उसकी इति कर्तव्यता में ये सारे आ जाएंगे। समुदाय इति कर्तव्यता रूपेण भवन्ति, समुदाय के अंतर्गत आएगा ये। अच्छा, जो आपने पीछे पूछा था पृष्ठ संख्या 2186 छठा अधिकरण, तो इसमें यह पशुबंधा उदाहरणम सवनियो निरूढ़ पशु और सौम्यादेश। इसमें एक तो आपने पूछा था कि जितने भी सौम्याग होते हैं उनमें पशु होता है क्या, तो पशु होता है, जैसे मैंने उस दिन उत्तर दिया था, क्योंकि यूप भी होता है, बिना यूप के सौम्याग होता नहीं है, एक तो हो गई कम से कम, और उसमें वो पशु बांधा ही जाता है, वहां पर पशु से जुड़े हुए हैं, तो जितने भी सौम्याग हैं उनमें पशु तो रहता ही है, और ये आप ज्योतिष्टोम या अग्निष्टोम जो भी लें, जो कि सोमयागों की प्रकृति है, उसके अंदर भी सवनीय पशु रहता ही है। श्रोत पदार्थों का संक्षिप्त परिचय में भी आप सोमयाग जो भी देखेंगे, तो सोमयाग जो अग्निष्टोम है उसमें ये हमें प्राप्त होता है, बहुत सारे इसमें याग हैं, प्रथम दिन के, द्वितीय दिन के, तो इसमें पशु होता है, और ये पांचवें दिन के कृत्य में प्रातः सवन में, और फिर ये चौथे में इन्होंने लिखा है प्रसर्पण बहिष्पवमान स्त्रोत्र सवनीय पशु और सवनीय हवि, ये सवनीय पशु आ रहा है यहाँ पर। यद्यपि इसको पशु याग के नाम से नहीं कहा जाता, ये सोमयाग के नाम से कहे जाते हैं, लेकिन पशु इसमें भी है, सवनीय पशु मतलब सवन काल में वो पशु रहता है। जो पशु याग हैं वो सारे के सारे सोमयाग नहीं, वो सब में सोम हो ये आवश्यक नहीं है, जितने सोमयाग हैं उनमें तो पशु मिलेगा, लेकिन जो पशुबंध हैं या पशु याग हैं उनमें सोम हो ये आवश्यक नहीं है। जितने पशु याग हैं उनकी प्रकृति निरूढ़ पशु को माना जाता है, निरूढ़ पशु पशु यागों की प्रकृति है, और सोमयाग में जो पशु आ रहा है तो वहां उससे संबंधित धर्म वहां आने हैं तो आ जाएंगे। श्रोत पदार्थ, श्रोत ये जो प्रक्रिया पदार्थानुक्रम कोश है, इसमें पशुबंध और निरूढ़ पशु को पर्याय के रूप में भी लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे कि हम ज्योतिष्टोम और अग्निष्टोम को एक ही मान करके बोलते हैं, जबकि वैसे तो भेद है। अब पशुबंध है उसमें सारे पशुबंध आएंगे, लेकिन चूंकि मुख्य उसमें निरूढ़ पशु है इसलिए निरूढ़ पशु को भी पशुबंध कहा जाता है। अब यहां जो लिखा हुआ है यह पशुबंधा उदाहरणम, यह मतलब पशुबंध तो व्यापक हो गया, और उसके उदाहरण में सवनियो निरूढ़ पशु और सौम्यादेश, ये उसके भेद के रूप में आएंगे, ये सारे के सारे पशुबंध हैं। अब उसमें सवनीय है, सवनीय पशुबंध है, तो सवनीय मतलब जब सवन होता है, यानी सोमयागों में जब इसका प्रयोग किया जाएगा तो वहां जो पशुबंध है वो सवनीय पशुबंध कहलाएगा, सवन काल में है। निरूढ़ पशु है ये, इसमें समन नहीं होगा, ये सोमयाग से संबंधित नहीं है, निरूढ़ पशु अलग है ये, लेकिन पशु वहां पर भी है, ये प्रकृति है। और सौम्यादयश्च, तो सोम आदि देवता जिसके होते हैं ऐसे कुछ वो अलग वर्गीकरण किया हुआ है। निरूढ़ पशु का आवर्णन ये कात्यायन श्रोत सूत्र में भी, इन श्रोत सूत्रों में वैसे ये विस्तार से मिलते हैं, तो श्री विद्याधर शर्मा का ये भाष्य है, इसके भूमिका में इन्होंने इनके कुछ कुछ विवरण लिखे हुए हैं, बहुत सारी चीजों को लिखा है इन्होंने, तो इसमें
एक तो देखो जैसे चातुर्मास्य थे, वो चातुर्मास्य को तीन प्रकार से बांटा है, तीन होते हैं, ऐष्टिक चातुर्मास्य होते हैं इष्टि, और पाशुक होते हैं और सौमिकानी चैति। ऐष्टिकानी त्रिविधानी चातुर्मास्यानी, ऐष्टिकानी पाशुकानी सौमिकानी। तो इष्टियां होती हैं, इष्टि के रूप में भी चातुर्मास्य है, और जहां पशु होता है वो भी होते हैं चातुर्मास्य, और सोम वाले होते हैं वो भी सौमिकानी, तीनों तरह से होते हैं। और निरूढ़ पशु बंध है, ये बिल्कुल अलग चीज हो गई है, ये सोम से जुड़ा हुआ नहीं है। और अग्निशोम ये प्रकृति वाला है, ये निरूढ़ पशु अग्निशोम ये प्रकृति वाला है। अब जैसे सौत्रामणि है, ये भी पशु याग है। सौत्रामणि जो है पीछे आया भी था, अब ये पशु याग है, अब इसकी प्रकृति निरूढ़ पशु या पशुबंध ये सब लिया जाएगा, लेकिन ये सोम नहीं है, इसमें सोम नहीं है। तो हर पशु याग में सोम नहीं होता है, बस उसमें बिना सोम के भी होते हैं वो, और लेकिन सोम वाला है उसमें पशु होता है। अभी तक तो कोई अपवाद रूप में कहीं कोई हो तो पाते हैं, नहीं तो यही देखा जाता है, यही वर्णन मिलते हैं। हाँ, जो निरूढ़ पशु को सभी पशु यागों की प्रकृति बताया, हाँ, और अग्निशोमीय को निरूढ़ की भी प्रकृति बताया, ये क्रम से है कि सबसे पहले अग्निशोमीय पशु याग है, फिर निरूढ़ पशु याग है, और फिर आगे के जितने पशु याग है उनकी प्रकृति निरूढ़ पशु याग। नहीं, अग्निशोमीय में जो सामान्य बातें हैं वो निरूढ़ में आएंगी, निरूढ़ पशु में, क्योंकि और चीजें तो सामान्य होनी है, लेकिन जहां पशुओं से संबंधित बातें हैं उसके विध्यंत निरूढ़ पशु में बताए गए हैं। तो आगे जितने भी पशु याग हैं उनकी प्रकृति निरूढ़ पशुबंध को माना जाता है, जहां भी जाएगा। हालांकि इसमें भी दूसरी चीजें आएंगी पीछे की इस दृष्टि से, उसकी प्रकृति और को हम मान रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वहां से पशु के धर्म यहां आ रहे हैं। पशु संबंधी विध्यंत निरूढ़ पशु में कहे गए, इसलिए उसको पशु यागों की प्रकृति कहा गया। ठीक है, तो ये इससे संबंधित आपके प्रश्न हो गए ना, यहां से जो संबंधित थे हो गए सर। ठीक, हाँ, जितनी भी पशु याग हैं उसके प्रकृति निरूढ़ बताया था, हाँ, उसका भी प्रकृति निरूढ़ का भी प्रकृति अग्निष्टोम बताया, अग्निशोमी है, अग्निष्टोम अग्निशोमी लिखा हुआ है उसमें, हाँ हाँ। तो उसको अंग का अंग नहीं मान सकते, उसी का नहीं कह सकते हैं ना, यूं तो हम पीछे 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 जाकर के करेंगे तो, और दर्शपूर्ण मास और दैनिक अग्निहोत्र वो आप पीछे पीछे प्रकृति में तो चले ही जाएंगे। पहले आपके सामने ये मैंने उदाहरण रखा या नहीं रखा, प्रकृति विकृति का पहले इस तरह से आया ही है कि रोटी प्रकृति है, सबकी प्रकृति है, पराठे की भी प्रकृति है, सादी रोटी जो होती है वो भी, और पराठे वाली भी, और रोटी को भी जो घी से कर लेते हैं वो भी पराठे जैसा। लेकिन अब जब पराठों की प्रकृति आएगी, एक सादा पराठा है, एक आलू का पराठा है, ऐसे पराठे नाम से जो हैं उन सब पराठों की प्रकृति क्या मानी जाएगी? सादा पराठा प्रकृति मानी जाएगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि रोटी के धर्म वहां पर नहीं आ रहे, क्योंकि आटा उसनेगा, लोया बनेगा, उसको बेला जाएगा, ठीक है, रोटी एक अलग तरीके से बिलती है, गोल बिलती है, इसमें भी वैसा बेला जाएगा, लेकिन साथ में कुछ अतिरिक्त चीजें भी आ गई हैं, तो सादा पराठा प्रकृति हो गया। अब आलू का पराठा बनना है, उसकी प्रकृति किसको मानेंगे, पराठे को मानेंगे या रोटी को मानेंगे? अगर रोटी को प्रकृति मान लिया तो ये आलू का पराठा पराठा नहीं बन पाएगा, तो उसको सादे पराठे को आलू के पराठे की प्रकृति मानेंगे, यद्यपि रोटी के धर्म वहां आ रहे हैं उसका निषेध नहीं है। कोई ये तर्क करे कि भाई सादा पराठे की प्रकृति या तो आलू के पराठे की प्रकृति पराठा है या रोटी है, तो बोले नहीं पराठा ही मानेंगे, रोटी नहीं, क्योंकि रोटी बनेंगे तो फिर आलू का पराठा क्या बनेगा। ऐसे में यही कहा जाएगा कि सादा पराठा भरवा पराठे की प्रकृति है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि रोटी के धर्म वहां नहीं आ रहे, क्योंकि सादे पराठे की प्रकृति रोटी है, उसके कुछ धर्म वहां पर आ रहे हैं। अब भरवा जो पराठे हैं वो कैसे बनते हैं? अब भरवा पराठा भी एक प्रकृति बनेगा, भरवा पराठा की प्रकृति सादा पराठा,
लेकिन भरवा पराठे भी तो कई तरह के होते हैं। भरवा पराठे कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने आलू के पराठे को लेकर के भरवा पराठे के सारे विध्यंत बता दिए। अब क्या मूली का पराठा कैसे बनाया जाए, गोभी का पराठा कैसे बनाया जाए, तो अब उसमें विध्यंत प्राप्त करने हैं तो कैसे, कौन से विध्यंत कहेंगे, रोटी के विध्यंत कहें या सादा पराठे के विध्यंत कहें या भरवा आलू के, जहां की सारे विध्यंत बताए गए थे भरवा पराठे के विध्यंत बताए गए। ठीक है, मूली और मूली और गोभी में जो भिन्नता होगी वो उतनी उतनी बता देंगे, और मूली का पराठा एक अलग नाम हो गया, विद्यादि हो गया। अब यहां पर कौन से विध्यंत जाएंगे, भरवा पराठा ही उसकी प्रकृति माना जाएगा। बोले जी भरवा पराठा प्रकृति है और भरवे पराठे की प्रकृति सादा पराठा है, तो फिर तो सादा पराठे ही इसकी प्रकृति मान लिया जाए ना, गोभी के पराठे की या तो मूली के पराठे की। नहीं, मूली और गोभी के पराठे की प्रकृति आलू का पराठा ही माना जाएगा, क्योंकि भरवा पराठे के विध्यंत यहां पर कहे गए हैं और बाकी जो पीछे की चीजें हैं वो तो आ ही रही हैं, उसका निषेध तोड़ना होगा। लेकिन कहा किसको जाएगा, कौन कहां से विध्यंत आएंगे, इसकी प्रकृति कौन सी है, वो क्या कहा जाएगा। मीठा पराठा भी बनता है चीनी डाल करके, अंदर चिलड़ा नहीं, उसी से चीनी भी डाल देते हैं उसमें, एक तो वो आटे में ही घोल देते हैं, वो तो चिलड़ा अलग हो गया, वो पराठा नहीं कहलाता है। चिल्ला वो तो नमकीन भी बनता है बेसन का, या तो नमकीन हो चाहे मीठा हो, वो एक अलग चीज हो गई। उसकी प्रकृति आप रोटी को भी कहो ये थोड़ा कठिन है, उसकी प्रकृति आप पकोड़े या किसी चीज को कहीं से लेना पड़ेगा, ये कुछ अलग तरह से हो गया, क्योंकि वो बेल के भी नहीं होता है, वो तो यूं ही फैला देते हैं। अब मालपुए को उसकी प्रकृति मान लो या किसी को, और कैसे कैसे भी कर लो चलो वहां पर, तो प्रकृति का कथन जब वो अंग का अंग जो आप पूछ रहे हो ना, लेकिन वो सीधे सीधे जो उसका माना जाएगा तो मूली का पराठा आलू के पराठे का ही अंग माना जाए। अंग अंग मत कहो वैसे तो, ये अंग नहीं है, तो स्वतंत्र हैं सारे, लेकिन विध्यंत कहां से आएंगे, वो ऐसे आएंगे और पीछे वाले तो आ ही जाते हैं। अब इन सब में भी आटा तो उसनना ही पड़ेगा, आटा गेहूं पीसना पड़ेगा, आटा उसनना होगा, ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है कैसा आटा है, और नहीं तो वो एक जैसा रहेगा। उसके लिए जो आप पात्र लेओगे, परात जिसमें ओसनोगे करोगे, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये तो मूल रोटी वाले जो विध्यंत हैं वो जो कि तू आएंगी ही, वो उसका प्रतिषेध नहीं हो रहा है। रोटी के विध्यंत नहीं आएंगे, रोटी इसकी प्रकृति नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वहां की कोई भी चीज नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, वो परंपरा से आ रही है वहां पर कहा यही जाएगा कि भरवा पराठे का की प्रकृति आलू का पराठा है, ऐसा। ओम अच्छा जी, इसी विषय में 2184 पृष्ठ नया प्रश्न पूछ रहा हूं। नहीं नहीं इसी में जी, हाँ 2184 पृष्ठ पे नीचे जो विवरण है उसमें भी इसी से संबंधित दिया है। संहिता शाखा एवं ब्राह्मण ग्रंथों में यह अग्नि शोमीय सोमया, एक मिनट, आप 2184 जी 84 हाँ, इसमें विवरण जी सबसे हाँ। अंत में संहिता शाखा एवं ब्राह्मण ग्रंथों में यह अग्निशोमीय सोमयाग के प्रकरण में पड़ा है, और यही सब पशु याग और यही सब पशु याग के धर्म आमनाथ हैं, यही अग्निशोमीय पशु अन्य पशु यागों की प्रकृति है। श्रोत सूत्रों में पशु याग के समस्त धर्म निरूण पशुबंध में पड़े हैं, यह भेद ध्यान में रखना है। हाँ ये भेद अंतर है, ठीक बात है। वो जो वचन उन्होंने दिया ना, तो वैसे तो ये श्रोत सूत्र का ही था। हाँ देखो ये ठीक बात है, आपने अच्छा ध्यान दिखाया कि सोमयाग इसमें संहिता शाखा, संहिता एवं ब्राह्मण ग्रंथों में अग्निशोमीय सोमयाग के प्रकरण में पढ़ा है, और यही सब पशु याग के धर्म आमनाथ हैं, तो इसलिए ये अग्निशोमीय उसकी प्रकृति हो गया। यही अग्निशोमीय पशु अन्य पशु यागों की प्रकृति है संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार, लेकिन श्रोत सूत्रों में पशु याग के समस्त धर्म निरूढ़ पशु धर्म में पड़े हैं, इसलिए श्रोत ग्रंथ जब पशु यागों की प्रकृति कहेंगे तो निरूढ़ पशु बंध को सबकी प्रकृति कहेंगे, जहां पढ़े गए हैं उसको प्रकृति मान लिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन्होंने श्रोत सूत्र की व्याख्या करते हुए भी वहां पर अग्निशोमियों को प्रकृति, इसकी भी प्रकृति अग्निशोमियों को कह दिया है, निरूढ़ पशु की भी प्रकृति अग्निशोमियों को इन्होंने कहा है विद्याधर जी ने। अब ये इन्होंने मिश्रित दोनों बातें हुई हैं।
ये बात बार बार आती है कि भाई वहां ये पढ़ा है ये पढ़ा है, तो श्रौत सूत्र के अनुसार निरूढ़ पशुबंध सब यागों, सब पशु यागों की प्रकृति है, और ब्राह्मण ग्रंथों श्रौत इनके अनुसार संहिता शाखा के अनुसार अग्नि सोम्य सोमयाग सब पशु यागों की प्रकृति है, क्योंकि वहां पर इन्होंने वो कह दिया है। चलो अपना अपना वर्णन है। हाँ, संहिता और ब्राह्मण में निरूढ़ पशुबंध नहीं है वहां पर, ये तो हो भी सकता है, होगा, लेकिन वहां धर्म नहीं पढ़े गए होंगे। धर्म यानी समस्त विद्यंत जहां पर पढ़े गए, मूल बात तो है विद्यंत जहां पढ़े गए हैं सारे विस्तार से जिसका वर्णन किया वही प्रकृति कहलाएगा। अब कोई कहे नहीं कि हम तो आलू के पराठे को बर्मा पराठों की प्रकृति नहीं, हम तो मूली के पराठे को प्रकृति मानेंगे। अगर किसी ने मूली के पराठों को बनाते समय सारे विद्यंत दे दिए हैं तो वो आलू का पराठे की प्रकृति भी वही हो जाएगी उस शास्त्र में। तो आगे का पाठ देखते हैं, मीमांसा दर्शन आठवां अध्याय प्रथम पाद और पंद्रहवें वहां अधिकरण पृष्ठ संख्या 2203। इन्हीं अतिदेशों के संदर्भ में बातें हैं। शीर्षक है सौर्य यागे विकल्पेन आग्नेय द्वय धर्मातिदेशाधिकरणम। सौर्य याग में धर्म का अतिदेश हो रहा है, आग्नेय द्वय के धर्मों का अतिदेश दोनों प्राप्त हो रहे हैं, तो दोनों में से कौन सा हो, तो इसमें सिद्धांति का पक्ष है कि विकल्प से हो जाएंगे, चाहे तो वो कर लो चाहे तो वो कर लो। सौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्म वर्चस काम इति श्रूयते। ये तो सौर्य याग का उद्धृत वचन दिया है उन्होंने विधि वाक्य। अस्तित्व प्रकृतौ अभिमर्शन द्वयम्। अब इसकी प्रकृति जो है दर्शपूर्ण मास उसमें अभिमर्शन दो प्रकार का है। अभिमर्शन मतलब हवियों को छूना, वो दो प्रकार का है। चतुर्होत्र पौर्णमासीम अभिमृशेत। पौर्णमासी में चतुर्होत्री मंत्र हैं उनको बोलते हुए उसको स्पर्श करते हैं। पंचहोत्रा अमावस्यायाम, अमावस्याष्टी में पंचहोत्रा मंत्रों को बोलते हुए हवि का स्पर्श करते हैं। अभी भी एक कुछ भावनाएं जुड़ जाती है ना, भाई स्पर्श करो, जैसे कि बहुत से लोग प्रसाद लेते हैं, भाई फल वल आए हैं लोगों ने इलाके दिए, वो महाराज जी बैठे हैं और वो प्रसाद दो, तो ले देने को तो कोई भी दे देता है, भाई एक एक दे देता हूँ बांट, बोले नहीं महाराज जी के हाथ से लेंगे। वो लेते हैं हाथ में लेते हैं और वो देते हैं, वो की वही चीज़ है, सब कुछ वो का वही है, वो हाथ से देने से हो जाता है। सेवक ने बनाया है खाना लेकिन फिर भी कहे नहीं माँ का हाथ इस पे छू जाए एक बार, और छू जाने से क्या हो जाता है, पवित्र पुष्टि हो जाती है कि नहीं माँ ने हाथ लगा दिया है इसको, भाई अब ये बाधा रहित है। अगर ये मतलब एक तरह से अनुमोदन कर दिया हाथ लगा के कि हाँ ठीक है ये जाओ मैंने देख लिया और ये ठीक है, वो व्यक्ति निश्चिंत हो जाएगा। हाथ नहीं लगा रहे नहीं फिर कोई बात है इसमें, शायद एक निश्चिंतता विश्वास आ जाता है कि भाई उसने हाथ लगाया, आदर सत्कार भी होता है कि भाई चलो आप हाथ लगाओ, हाथ लगा करके वो सबकी तरफ से हो तो सब जने हाथ लगाते हैं, फिर उसको सबका हाथ लग गया, हाँ भाई चलो हम सबकी सहमति है, इसमें प्रतीकात्मक होती हैं कुछ चीज़ें, भावना से जुड़ी भी होती हैं। तो तदीह चोदके न प्राप्यते। तो ये जो दो वचन इन्होंने दिए ये तो दर्शपूर्ण मास में है, और वो यहां पर यानी सौर्य चरु में अतिदेश से प्राप्त हो रहे हैं, प्राप्ति दोनों की है। तो तत्र संशय किम सौर्यो यदा पौर्णमास्याम प्रयुज्यते तदा चतुर्होत्रा भी मृष्टव्य। जब सौर्य याग पौर्णमासी में किया जा रहा हो, एक युक्ति यह है कि तब वहां पर चतुर्होत्र ले लेंगे उससे अभिमर्शन कर लेंगे, और यदा अमावस्यायाम तथा पंचहोत्र, अमावस्या में कर रहा हो तो पंचहोत्र से कर लेंगे। अब ऐसा करेंगे तो इसको विकल्प नहीं कहते, ये तो नियमन है। विकल्प का मतलब तो ये होता है तो चाहे तो ये कर लो चाहे तो ये कर लो, यद्यपि नियमन करते हुए भी एक तरह से कह सकते हैं कि ये विकल्प है, ये भी प्राप्त हो रहा है वो भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो विकल्प कैसा है, नहीं वो विकल्प कैसा है व्यवस्थित विभाषा बोलते हैं, नियमित है वो, ये तो व्यवस्थित विभाषा, विभाषा तो है लेकिन नियमित है व्यवस्थित है। तो एक तो इसने कहा कि भाई ऐसा कर लेंगे, युक्ति संगत भी लगता है एक दृष्टि से। उत उभयत्र विकल्प चतुर्होत्रावा पंचहोत्रावा इति, अथवा दोनों ही जगह विकल्प है, चाहे वो पौर्णमासी को आओ चाहे अमावस्या का हो, किसी भी कब जब भी हो, लेकिन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं।
किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं व्यवस्थिता इति, बोले व्यवस्थित होना चाहिए। कुतः, चोदक अनुग्रहात, अतिदेश के अनुग्रहित होने से। क्यों? क्योंकि प्रकृतौ व्यवस्था कृता, प्रकृति में इसकी व्यवस्था की गई है। दर्श पूर्ण मास में दोनों आप हर जगह नहीं हो जाते, व्यवस्था है, निश्चित है। ये जो दो वचन बताए, तो चोदको व्यवस्था प्राप्यती, तो अतिदेश वचन उस व्यवस्था को प्राप्त कराता है। एवं प्राप्ते उच्यते, ऐसा प्राप्त होने पर अब सिद्धांत ही बोल रहा है। एक कर्मणि विकल्पो अविभागो ही चोदन एकत्वात्, बोले चूंकि ये एक ही कर्म है इसलिए यहां पर विकल्प होगा। वहां दर्श और पूर्ण मास है, वो तो अलग अलग कर्म थे, अलग अलग कर्म थे और वहां अलग अलग प्राप्ति थी, लेकिन यहां सौर्य में आ रहा है, ये तो एक ही कर्म है, यहां दो थोड़ा है, इसलिए अलग अलग नहीं हो। एक कर्मणि विकल्पो अविभागो ही चोदन एकत्वात्, ये चोदना तो एक ही है, अतिदेश तो एक ही है, इसलिए यहां पर इनका अविभाग होगा, दोनों की प्राप्ति होगी। अब दोनों की प्राप्ति में केवल एक को करेंगे तो दूसरे की बाधा आएगी, तो ऐसे में दोनों की प्राप्ति दिखाई गई है। एकस्मिन कर्मणि अत्र शौर्य विकल्प, एक ही कर्म जो ये शौर्य है इसमें विकल्प है। कुतः अविभागो ही चोदन एकत्वात्, खोल रहे हैं, एक ईशा चोदना, वचन तो ये एक ही है। शौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्मवर्चस काम, ये शौर्य छपा हुआ गलत है, तो शौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्मवर्चस काम, वचन तो आ ही चुका है भगवान, तत्र अविभागो भवति, इसमें अलग अलग नहीं होता है। उभौ अपि अभिमर्शने प्राप्यते, दोनों ही अभिमर्श यहां पर प्राप्त हो रहे हैं समान रूप से। तयो एकार्थत्वात् समुच्चयो न संभवति, अब दोनों प्राप्त हो रहे हैं तो एक पक्ष ये बन सकता है कि दोनों ही हो हर बार, दोनों की प्राप्ति है तो दोनों ही हो, तो बोले दोनों तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दोनों का प्रयोजन एक ही है। अब एक के करने से वो प्रयोजन पूरा हो गया तो अब दूसरे का प्रयोजन वहां नहीं रहेगा। तो कहते हो एकार्थत्वात् समुच्चय होना संभवती, दोनों का प्रयोजन एक होने से समुच्चय तो हो नहीं सकता है, प्राप्त दोनों है, तस्मात विकल्प है, इसलिए विकल्प करना पड़ेगा। यत्र तो प्रकृतौ व्यवस्था इति, और जो आपने यत्तु जो आपने कहा कि प्रकृति में तो व्यवस्था है, तो सिद्धांति कहता है नासौ कालकृता, वहां जो व्यवस्था है वो कालकृत नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्षी ने जो वहां व्यवस्था दिखाई थी वो कालकृत थी कि पूर्णमासी में ये चतुर्होत्रा और अमावस्या में पंचहोत्रा, और उसी काल को यहां ध्यान में रख करके वो नियमन कर रहा था। तो बोले वो जो व्यवस्था है वहां जो कथन है वो कालकृत नहीं है, अगर कालकृत होती तो यहां भी कालकृत प्राप्त हो जाती, तो उसका निषेध कर रहा है कि कालकृत है ही नहीं वहां पर। तो पूर्व पक्ष ने किम तरह फिर कैसे है, तो बोले समुदाय कृता, वहां समुदाय कृत है, विशेष समुदाय में वो होगा, इस समुदाय में वो होगा। न च शौर्य तो समुदाय उसका, वहां जो व्यवस्था है वो समुदाय के कारण से है और शौर्य में समुदाय है ही नहीं, काल तो आ सकता है, ये समुदाय यहां पर नहीं है। तो पूर्व पक्षी कह रहे यद्यवम, अगर ऐसा भी है, अगर ऐसा है तो यद्यवम, अल्प विराम लगा सकते हैं, अभिमर्शनम एव तरही न प्राप्त होती, आप कह रहे हो कि यहां समुदाय नहीं है और वो व्यवस्था समुदाय कृत है, तो ये चतुर्होत्रा पंचहोत्रा ये वहां समुदाय के कारण थे, आप कह रहे हो कि समुदाय शौर्य में है नहीं, तो फिर तो अभिमर्शन ही प्राप्त नहीं होगा। दोनों प्रकार के प्राप्त हुए तो बात ही छोड़ दो, अभिमर्शन ही यहां पर प्राप्त नहीं होगा। तो अभिमर्शन में वो तरही न प्राप्त होती, तयो समुदाय अभावादिति, उन दोनों समुदायों का शौर्य में अभाव होने से, इसका उत्तर सिद्धांति देता है, अत्रोच्यते न प्राप्त होती, ये प्राप्त नहीं होता है। कब? यदि समुदाययोः अभिमर्शनम उच्येत, अगर समुदाय में अभिमर्शन कहा जा रहा हो, समुदाय के विषय में अभिमर्शन कहा जा रहा होता तो यहां पर नहीं आते, लेकिन तयोस्तु अनभिमृष्टव्यत्वात् समुदायिनां तदुच्यते लक्षणया, तयोस्तु इन्हीं दोनों के, इन दोनों में तो दर्श और पूर्णमास के अनभिमृष्टव्यत्वात्, ये अभिमर्शन के योग्य नहीं होते, अभिमर्शन वहां नहीं होता है, वहां पर अभिमर्शन नहीं होने से समुदायिनां तदुच्यते, ये समुदाय में कहे जाते हैं, कैसे? लक्षणा से, जो दर्श और पूर्णमास में अभिमर्शन का कथन है ये लक्षणा से है, वास्तव में इसमें ये प्राप्ति नहीं है, वहां अंदर प्राप्ति है, लेकिन इनके लिए कहे जाते हैं, और चूंकि ये समुदाय को कहे जा रहे हैं तो समुदाय विकारश्च शौर्य, और ये जो शौर्य है उन समुदायों का विकार है, इसलिए अभिमर्शन चूंकि उनके कहे जाते हैं इसलिए यहां पर प्राप्त हो रहे हैं। तस्मात तत्रापि चोदका प्राप्यति तत्, इसलिए यहां भी अभिमर्शन प्राप्त तो होंगे और प्राप्त होंगे तो विकल्प से होंगे। इसमें नीचे अर्थ में छठी पंक्ति के बीच में है उन याग समुदायों का, ठीक है,
उन याग समुदायों का स्वस्थान से घनिष्ठत्व के अभाव से, अर्थात पौर्णमासी और अमावस्या में जो तीन तीन यागों का समुदाय है, उसे उस काल से हटाए न जा सकने के कारण समुदायों का, तो इसमें जो है स्वस्थान से जो भ्रंशत्व है, इसको यूं कहें उनका याग समुदायों का मृष्टव्य के अभाव से, मृष्टव्य के अभाव से, या तो यूं कहेंगे उन याग समुदायों के अमृष्टव्य होने से, इन्होंने व्याख्या इस तरह से की है। तो तयोस्तु अभिमृष्टव्यत्वात् अनभिमृष्टव्यत्वात् समुदायिनाम तदुच्यते लक्षणया, तो यहां पर प्राप्त करा दिया है। अगला अधिकरण, सौर्ये चरौ आग्नेय धर्माति देशाधिकरणम्। सूर्य सौर्य में, सौर्य कर्म में जो चरु है उसमें आग्नेय के धर्मों का अधिदेश होगा सौर्य। यथा संशोधन भवता कृतम तत्र याग समुदाय का मृष्टव्य हविनाम मर्शनम भवति ना। हाँ, याग समुदाय का नहीं होगा, हवियों का होगा। तो पहले तो उसने काल से जोड़ा था, तो बोले काल से नहीं, ये समुदाय कृत है, ठीक है। तो ये जो इन्होंने याग समुदाय लिखा है, वो जो याग समुदाय है, पीछे जैसा भाष्य में लिखा है, यदि समुदायो अभिमर्शनम उच्चेता न प्राप्नोति, ठीक है, अत्र उच्चते ये न प्राप्त होती, प्राप्त नहीं होता। कब? यदि समुदाय अभिमर्शन के रूप में कहा जाए। ये समुदाय मतलब क्या है? याग समुदाय। उसके के लिए तयोस्तु अनभिमृष्टव्यत्वात्, उनके याग समुदाय के अभिमर्शन के योग्य न होने से या उनके लिए न कहा गया होने से समुदायी नाम तद उच्यते। समुदायी जो है, समुदायी कौन है? दर्श और पूर्णमास, उनके ये कहे जाते हैं लक्षणा से। नहीं होता है, कथन है, बस कथन है। वैसे तो हवियों का ही स्पर्श होता है, लेकिन जिस याग में हवियों का स्पर्श किया जाता है तो उस याग को भी उस नाम से कह दिया जा रहा है, ये लक्षणा से कहा जा रहा है। अगले अधिकरण में कहा, सौर्य कर्मणि दर्शपूर्ण मासिको विध्यंता इत्युक्तम। पीछे ये कहा गया था सौर्य कर्म में विध्यंत कहां से आएंगे? दर्शपूर्ण मास में। उसके लिए सूत्र दिया था इष्टिषु दर्शपूर्ण मास प्रवृत्ति, क्योंकि सौर्य इष्टि है तो दर्शपूर्ण मास इष्टि के धर्म वहां पर आ जाएंगे। संति तु तत्र कर्माणि आग्नेयादीनि। अब उसमें सौर्य में आग्नेयादि कुछ कर्म है, उनके बारे में विचार है। तत्र विचार है कि यस्य कस्यचित् दर्शपूर्णमासिकस्य कर्मणः सौर्य विध्यंत उत आग्नेयस्य इति। तो दर्शपूर्ण मास में जो भी कर्म है उनमें से किसी भी कर्म के विध्यंत यहां पर आएंगे, अथवा दर्शपूर्ण मास के भी आग्नेय कर्म के विध्यंत यहां पर आएंगे। आग्नेय को लेकर के सौर्य में जो आग्नेय है उसमें दर्शपूर्ण मास के आग्नेय के ही धर्म आएंगे अथवा किसी के भी धर्म आ जाएंगे, उसके लिए पूर्व पक्षी कहता है लिंग साधारण्यात विकल्प स्यात्। क्योंकि इसमें संकेत तो सामान्य है, लिंग साधारण्य है, इसलिए विकल्प हो चाहे तो किसी के भी आ सकते हैं। विकल्प कुतः लिंग साधारण्यात खोल रहे हैं, सौर्य दार्श पौर्णमासिक विध्यंत प्राप्तो यल्लिंगम उपदिष्टम। सौर्य में दर्श पूर्ण मास की विध्यंत की प्राप्ति के संबंध में जो लिंग वहां पर कहा गया था, क्या? प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलम जो होती थी, तो ये प्रयाज को कहा था। तो तत्साधारणम सर्वेशां विध्यंते संभवती, ये तो सामान्य है तो सभी विध्यंत में हो सकते हैं, कहीं के भी आ सकते हैं। न च समुच्चय, लेकिन समुच्चय तो हो नहीं सकता है, जैसे पीछे कहा था दो चीजें हो नहीं सकती हैं, कोई एक चीज हो सकती है, तो तस्मात विकल्प, इसलिए विकल्प ही होगा। पिछले अधिकरण की शैली से पूर्व पक्षी यहां उत्तर दे रहा है। इस पर सिद्धांती कहता है ऐसा नहीं होगा, ऐकार्थ्यात्वा नियम्येता, अल्प विराम, पूर्ववत्वात् विकारो ही। ऐकार्थ्य का मतलब यहां इन्होंने लिया है, भाष्यकार ने कहा कि एक देवता के लिए होने से, एक देवता के लिए होने से यहां पर नियमन होगा, और पूर्व वाला होने से यह विकार है, इससे पहले कुछ आ चुका है तो यह विकार है, अपूर्व नहीं है। यह भाष्य आग्नेयस्य विध्यंतो नियम्येत, आग्नेय के विध्यंत ही यहां पर आएंगे, दर्शपूर्ण मास के अन्य यागों के विध्यंत यहां पर नहीं आएंगे, आग्नेय के ही आएंगे। कुतः? ऐकार्थ्यात्, ऐकार्थ्यात् को खोल दिया, एक देव तत्वाद इत्यर्थ, एक ही देवता होने से, और वो एक देवता क्या है? आग्नेय एक देवत्या, एक देवता आग्नेय है।
नहीं ऐसा नहीं, वो जो आग्नेय है दशपूर्ण मास में जो आग्नेय है वो एक देवत्य है, एक देवता वाला है, और सौर्य अपनी सौर्य सौर्य अष्टी भी एक ही देवता वाली, देवता की समानता देख रहे हैं। तो तेन एक देवतत्व न लिंगे न आग्नेय विध्यंत तो नियमित, तो एक देवता के कारण से इस लिंग से आग्नेय विध्यंत यहां पर नियमित होंगी। पूर्ववत्वात सूत्रकांश जो था उसको खोल रहे हैं, पूर्ववान अयम सौर्य है, सौर्य तो यह पूर्व वाला है, और पूर्वत्र अभिहितम विध्यंतम अपेक्षते, और पूर्व में कहीं भी विधियां यहां पर अपेक्षित है क्योंकि यहां कहीं नहीं गई है। विकारोही सूत्र में जो कहा विकारोही उसको खोल रहे, विकृति रेशा ये तो विकृति है, सर्वाश्च विकृत है पूर्ववत्त है, और जितनी भी विकृतियां होती हैं वो पूर्ववान ही होती हैं। चौदना वाक्य वाक्य वाक्यानाम असमाप्तत्वात्, क्योंकि यहां पर जो विधि वाक्य हैं उनके असमाप्त होने से यानी अपूर्ण होने से, समाप्त मतलब तो पूर्ण, सौर्य याग में जो वचन विधियां कही गई हैं वो अपूर्ण है, यानी इति कर्तव्यता का वर्णन नहीं है तो ये अपूर्ण ही कहलाएंगी। असमाप्तत्वात् यानी अपूर्ण होने से, तत्र लिंगेन विध्यंत नियमो भवति इत्युक्तम्, तो यहां पर लिंग से विध्यंत का नियम हो जाता है एक देवता होने से। अस्ति च एक देवतत्वम लिंगम, एक देवतत्व ही यहां पर लिंग, तेन आग्नेय विध्यंतः अत्र। 29वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, आक्षेप दे रहा है अश्रुतत्वात् न इति चेत, अगर वो कहे कि नहीं यहां पर श्रुत तो है ही नहीं तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर स्पष्ट रूप से देवता का कथन नहीं है, ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी। एक देवत्व का इसने विधान किया तो बोले जो वचन है वो ये स्पष्ट नहीं बताते कि यहां एक ही देवता है, कैसे है? वो भाष्य में बता रहे हैं स्यात् एतदेवम् यदि अत्र एकत्वम श्रूयेत, ऐसा हो जाए आपकी बात में मान लूंगा जब यहां पर एक देवता की स्पष्टता हो। क्यों? न तो श्रूयेत, सुना तो नहीं जा रहा है, कथम कैसे? तो कहा तद्धितेन अयम निर्देश, ये निर्देश तो तद्धित से है। तो सौर्यम चरुम निर्वपेत, ये जो कथन था ना पीछे, तो कितने देवता हुए इसमें? एक ही देवता हुआ। और बोले सौर्यम इति तथा आग्नेयम इति, ये जो निर्देश है वहां पर, तो बोले तत्र वचन व्यक्ति न जायते, कितने वचन है ये अभिव्यक्त थोड़ा हो, ये तो तद्धित से निर्देश है। ये जो तद्धित जैसे समासों में होता है अंतर्वर्तनी विभक्ति का, ऐसे तद्धित में भी अंतर्वर्तनी विभक्ति से द्विवचन या बहुवचन भी हो सकता है, आप इसको देख करके एक देवता कैसे निश्चय कर रहे हो? ये सीधा निर्देश तो नहीं है। तो तत्र वचन व्यक्ति न जायते किम सूर्यो देवता अस्य उत सूर्य उच सूर्याश्च इति, सूर्यो देवता अस्य सूर्या देवता अस्य, ये तो सौर्य सौर्यम चरुम इससे पता लग नहीं रहा है, तो एक देवता का आप निश्चय कैसे कर रहे हो? तथा आग्नेय भी, आग्नेय में भी ये का ये हेतु लगेगा, तो इसलिए आप निर्देश तो है नहीं, अश्रुत है, अश्रुत होने से कहें तो इसका उत्तर अब सिद्धांती दे रहा है। अब बात तो ठीक कह दी, अब इसको अतिरिक्त प्रमाण देना पड़ेगा। तो सिद्धांति कहते हैं स्यात् लिंग भावात्, हम लिंग के होने से आगे हमारे को लिंग मिल रहा है उससे हम यहां पर एक का ही ग्रहण करेंगे, क्योंकि एक का पक्ष खंडित तो हुआ नहीं है, इसे एक भी हो सकता है, दो भी और बहुत भी। अब जिससे जिसका लिंग मिलेगा वो यहां पर अर्थ ले लिया जाएगा, तो बोले लिंग मिलता है। स्यात् व्यवस्थिति ही एकत्वस्य, बोले एकत्व की यहां पर व्यवस्थिति हो, एकत्व का ही ग्रहण किया जाएगा। कुतः लिंग भावात्, लिंगमत्रस्थि किम वाक्य शेषे एकत्वम श्रूयते सौर्य तावत, तो वाक्य शेष जो है इसके बाद का उसमें एकत्व सुना जाता है, तो सौर्य अष्टी के लिए पहले एक वचन दे रहे हैं। क्या? अमुम एव आदित्यम स्वेन भागधेयेन उपधावती, इस आदित्य को ही अपने भाग से प्रदान करता है, प्राप्त होता है। स एव एनम ब्रह्म वर्चसम गमयति, ये जो आदित्य है यही इसको ब्रह्म वर्चस की तरफ ले जाता है। सौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्म वर्चस काम है, तो बोले ये जो देवता है यही इसको ब्रह्म वर्चस की तरफ ले जाता है। अब यहां पर एक ही आ गया, और आग्नेय में भी बोले एक ही है कि अंगिरसोवा इत उत्तमः स्वर्गम लोकम आयंस, तो अंगिरस नाम के ऋषि उत्तम स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। ते यज्ञ वास्तु अभ्यायन, वो यज्ञ की वास्तु यज्ञ की जो शाला है वहां पर पहुंच गए, क्योंकि यज्ञ कर करके ही गए थे स्वर्ग में, तो यज्ञ तो छूटेगा नहीं, तो यज्ञशाला में आ गए। प्रियता होती है ना, प्रियता होती है ना, जो यज्ञ करते करते सन्यासी बनते हैं ना, वो सन्यास करके लेके भी यज्ञ करते रहते हैं, वो छोड़ नहीं सकते, उसमें छूटता नहीं है।
तो यज्ञशाला में पहुंच गए, ते पुरोडाशम कूर्मम भूत्वा प्रसर पंतम अपश्यन। वो जो पुरोडाश था ना, उसको कछुआ बनते बन करके देखा कि तो चल चल रहा है, अभी खिसक रहा है यहां से। उसको पता है कि रोकना तो पड़ेगा इसको, पुरोडाश के बिना तो याग पूरा कैसे होगा। बोलिए तो हिल जा रहा है इधर उधर, तो उसने निवेदन किया। प्रसरपंतम अपश्यन तम अब्रुवन, उसको बोले इंद्राय धृयस्व, बोले तू इंद्र के लिए टिक जा, मैं तेरे को इंद्र के लिए दे देता हूं, इंद्र के नाम से रुक जा, उसके नाम से रुक जा। बृहस्पतये धृहस्व, बृहस्पति के लिए ठहर जा। विश्वेभ्यो देवे पे धृहस्व इति, विश्वदेव देवता के लिए रुक जा। तो सतान आह न ध्रिये, मैं इनके लिए नहीं रुकूंगा यानी इसके नाम से रुक जा। कई बार नाम कहते हैं ना, अच्छा उनके नाम से नहीं तो चलो इनकी बात तो मान ले, इनके नाम से तो रुक जा। दान भी जो मांगते हैं तो अलग अलग नामों से मांगते हैं, बच्चे के नाम से देते हैं, ठीक है, भगवान के नाम से देते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं अपने बच्चों के नाम से दे दे, अपनी बीवी के नाम से दे दे, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं। तो इसने भी कोशिश की, तो तम अब्रुवन अग्नेय धृहस्व इति, तो अंगिरस को सोचा कि अब क्या है, तो उसने कहा अग्नि के लिए ठहर जा। तो सो अब्रवी ध्रिय अहम, बोले ठीक है मैं इसके लिए ठहर जाता हूँ, हाँ वो है तो मैं रुक जाऊंगा इसलिए ये अर्थवाद है, इसीलिए जो कहा गया था ना अर्थवाद आता है, यद आग्नेयो अष्टा कपालो अमावस्यायाम पूर्णमास्यायाम च अच्युत भवति, जो आग्नेय अष्टाकपाल पुरोडाश है वो अमावस्या पूर्णमासी में अच्युत होता है, सकता नहीं है, स्थिर रहता है, क्योंकि वो आग्नेय है, अग्नि देवता वाला है। तो अग्नि में वो स्वेन भाग दे न समर्थयति, वो अग्नि को ही अपने भाग से बढ़ाता है। तो अग्नि एक ही देवता आ गया ना यहाँ पर, तो बोले इस लिंग से पता लगता है कि वहां पर आग्नेय का मतलब एक ही अग्नि देवता लिया जाना चाहिए। और करें तथा च अन्यार्थ दर्शनम, और भी इसकी पुष्टि होती है कि अनुवाक्यायाम एकत्व श्रवणम, अनुवाक्य जो बोली जाती है उसमें भी एकत्व का श्रवण है, कि अग्निर्मूर्धा दिवः इति आग्नेय, आग्नेय में अग्निर्मूर्धा दिवः, इसमें अग्नि शब्द का प्रयोग किया गया मंत्र में, तो इससे एक ही देवता पता लग रहा है, अनुवाक्य से पता लग रहा है, ये भी एक तरह से चिन्ह ही है, लिंग ही है। और शौर्य में है उदुत्यम जातवेदसम, इसमें शौर्य, शौर्य चरु में, तो शौर्य यहां पर शब्द नहीं है लेकिन जातवेदस जो है ये सूर्य के लिए कहा जाए, उदुत्यम जातवेदसम, तो सूर्य याग में इसको बोला जाता है, यहां भी एक ही देवता है अनुवाक्य में। इसमें पूर्व पक्षी कहता है ननु पुनरक्तम एतत् लिंग द्वयोपदर्शनमिति, बोले आपने स्यात् लिंगम तीसवें में लिंग कह ही दिया था, अब इकतीसवें में जो आपने ये अनुवाक्य में बताया ये भी तो लिंग ही है, तो दो दो लिंग क्यों दे दिया आपने, एक कह दिया था तो दोबारा क्यों कह रहे हो, क्यों मेरा समय खा रहे हो, आपकी बात मान ली मैंने, जैसे दो हेतु प्रस्तुत कर दिया जाए न्याय दर्शन में वो भी निग्रह स्थान माना जा सकता है अगर वैसा नियम हो तो, नहीं तो दो भी चलते हैं। तो ऐसे इसने आपत्ति कर दी, बोले ये पुनरुक्ति क्यों कर रहे हो आप, बता दिया आपका, आ गई समझ में। अच्छा इसमें अगर कोई समझाने वाला एक हेतु दे, एक उदाहरण दे, फिर दूसरा हेतु दे, दूसरा उदाहरण दे, फिर तीसरा दे, तो सुनने वाले को आपत्ति क्यों होती है वो तो समझा ही रहा है ना, वो तो हमारे हित के लिए समझा रहा है ना, नहीं समझ चुका है तो उसको लगता है, उसको क्या लगने लगता है, उसको लगता है ये मुझे मूर्ख समझ, मेरे को समझ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आया, मैं मूर्ख तोड़ना हूं, उसको सहन नहीं है, सहन नहीं अरे भाई आ गई समझ में, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, मेरे को बार बार समझा रहा है, ऐसी ऐसी बातें समझा रहा है, एक बार हो गया सहन कर लिया, मेरे को तो बात वैसी ही समझ में आ गई थी, चलो एक उदाहरण दे दिया चल गया, अब बार बार कई उदाहरण दो तो नहीं, बच्चा थोड़ना हूं मैं, मूर्ख थोड़ना हूं मैं, तो उसको सहन नहीं होता है, वो इसका एक तरह से अपमान हो रहा होता है, और वो बताने वाला अपमान नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो सोचा नहीं मैं अधिक से अधिक समझा दूं, शायद ना समझ में आए ना, अरे भाई मेरे को समझ ले पहले कि मैं समझ लेता हूं जल्दी से आगे तो तदुच्यते, इसका उत्तर सिद्धांत ही दे रहा है, बोले नहीं तत् पुनरुक्तम, ये पुनरुक्त नहीं है, भेद है, क्या है कि एकम अत्र चोदनागतम एकम मंत्रगतम, पीछे जो तीसवें सूत्र में जो लिंग दिखाया था वो हमने चोदना वाक्यगत बताया था, विधि में जो था वहां से बताया था, और ये जो बताया ये मंत्रगत बताया, क्योंकि अनुवाक्य तो मंत्र की होती है, इससे भेद है। और बोले कि दोनों में है तो भी क्या हुआ, लिंग तो दोनों ही है, तो बोले चोदनागतम प्रापकम, चोदना में जो लिंग था वो तो प्रापक था, प्रमाण के रूप में था, और मंत्रगतम प्राप्तस्य द्योतकम इति, और मंत्रगत जो लिंग है वो जो प्राप्ति थी उसका द्योतक है, उसको पुष्ट करने वाला है, यहां ऐसा ही है, दो अलग अलग बातें, पुनरुक्त नहीं है।
आगे देखें, 17वां अधिकरण, देवता घटित सादृश्य अपेक्षा या द्रव्य घटित सादृश्य से बलियस्तु अधिकरण। देखिए सादृश्य में अतिदेश में उन्होंने कहा था देवता का सादृश्य हो द्रव्य का सादृश्य हो, ऐसे कर सकते हैं दोनों का, लेकिन कहीं देवता का सादृश्य भी मिल रहा हो और द्रव्य का भी सादृश्य मिल रहा हो, एक से तो देवता का सादृश्य मिल रहा है और एक से द्रव्य का सादृश्य मिल रहा है, तो उन दोनों में से किसका अतिदेश लेंगे, किसके समान करना चाहिए वो, ये एक व्यवहारिक कठिनाई आती है। तो उसके अंदर इन्होंने कहा देवता घटित सादृश्य अपेक्षा, देवता वाला सादृश्य जिसमें हो उसकी अपेक्षा द्रव्य घटित सादृश्य की प्रधानता होगी। संदेह पैदा होगा ना कि दोनों में से कौन सा करें, उसके बलियस्तु को इस अधिकरण में बताया, सो उदाहरण बताएंगे। भाष्य देखिए, इदम श्रूयते ऐन्द्रम एकादश कपालम निर्वपेति थी, ये तो एक वचन हो गया, तथा आग्नेयम पय इति, आग्नेय पय है। तो देखो एकादश कपाल ऐन्द्र, इंद्र एक देवता है और एकादश कपाल ये यहाँ पर हवि है, दूसरे में आग्नेय अग्नि देवता है और पय यहाँ पर हवि है यानी द्रव्य है। इति तत्र संदेह है किम देवता सामान्यात ऐन्द्र पुरोडाशे सान्नय्यस्य विध्यन्त, भाई देवता की समानता से जो ऐन्द्र पुरोडाश है पुरोडाश लेकिन इंद्र देवता है और यहां पर भी ऐन्द्रम एकादश कपालम निर्वपेत, तो किम देवता सामान्यतः ऐन्द्र पुरोडाश में, ये एकादश कपाल ऐन्द्र पुरोडाश है तो उसमें सान्नय्य की विधियां होंगी क्या, सान्नय्य में वहां पर भी इंद्र देवता है तो सान्नय्य मतलब दूध और दधि, तो दूध और दधि हवि हो गए, देवता तो एक ही है, तो देवता के एक होने से सान्नय्य की जो विधियां हैं विध्यंत हैं वो पुरोडाश में वहां पर लागू करें क्या, देवता के अनुसार देखेंगे तो। और आग्नेय च पयसी औषधस्य है, और जो आग्नेय है इसमें पय में यानी आग्नेयम पय इसमें औषधस्य औषधि के विध्यंत प्राप्त होंगे क्या, क्योंकि वहां पर भी अग्नि देवता है लेकिन वहां पर औषधि हवि है तो उसके विध्यंत यहां पर सन्नय में प्राप्त पय में प्राप्त होंगे, देवता सामान्यम बलवत्तरम, ऐसा कर अगर प्राप्त कराएंगे ये होगा देवता के सामान्य को बलवान मानेंगे तो ऐसा होने लग जाएगा, यानी पुरोडाश में सन्नय के विध्यंत आएंगे और पय में औषध के विध्यंत आने लग जाएंगे। और दूसरा करते हैं अतः हवि सामान्याद उत्तर, अगर हवि की सामान्यता माने हवि की समानता होने से उत्तरत्र सन्नय से विध्यंत, उसके उसमें सन्नय के विध्यंत आएंगे, और उत्तरत्र मतलब बाद वाले में, बाद वाला कौन सा हो गया पय, वहां पर सन्नय था यहां पर पय था तो समानता हो गई ना, भाई दूध और दही था यहां पर दूध था तो दूध की तो समानता हो गई, पुरोडाश से तो भिन्नता है ही, तो भले ही देवता का भेद है लेकिन हवि की समानता होने से वहां पर सन्नय के विध्यंत आएंगे। और पूर्वत्र मतलब है यहां पर ऐन्द्रम एकादश कपालम वाले में पूर्वत्र औषधस्य, यहां पर औषधि के विध्यंत आएंगे भले ही देवता की भिन्नता है, क्यों हवि सामान्यम बलियति, यदि हम हवि की समानता मानेंगे हवि की बलवत्ता मानेंगे तो ऐसा करेंगे, तो किम प्राप्तम दोनों में से क्या है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि देवता सामान्यम बलियति, देवता की समानता बलवान होती है, देवता अधिक मुख्य होता है या हवि अधिक मुख्य होती है, देवता होता है तो उसके अनुसार होना चाहिए, देखो देवताओं का कितना सत्कार करने वाला है पूर्व पक्षी, कुतः मुख्यत्वात्, देवता मुख्य होता है क्यों, बोले मुख्य नियंत्रिता देवता, क्योंकि शब्द के द्वारा देवता ही नियंत्रित करती है इसको, मुख्य नियंत्रित करने वाली है, कैसे बोले ऐन्द्रम आग्नेयम इति, जब ऐन्द्र कहा ऐन्द्रम एकादश कपालम और आग्नेयम, तो वो जो हवि है वो कौन सी है, इंद्र देवता वाली है, इंद्र देवता के लिए है वो, अग्नि देवता के लिए, तो दोनों में से मुख्य देवता हुआ तो यहां तो देवता के अनुसार ही होना चाहिए, तो ऐन्द्रम आग्नेयम इति, और जघन्य नियंत्रितम हवि, हवि तो है वो गौण रूप से कथन है, तो तयोर विरोध है मुख्यानुग्रहो न्याय, दोनों में विरोध हो तो मुख्य का अनुग्रह उचित कहलाता है, मुख्य से अविरुद्ध प्रवृत्ति, जो मुख्य होता है उसके अविरुद्ध प्रवृत्ति करनी पड़ती है, जैसा वो चाहता है वैसा ही होना चाहिए, और जघन्य से तो मुख्य ने विरुद्ध प्रवृत्ति, और जो जघन्य होता है उसकी मुख्य से विरुद्ध प्रवृत्ति होती है, मालिक जो खाना चाहता है वही बनेगा और सेवक को वही खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सेवक जो खाना चाहता है वो बने और उसके अनुसार मालिक को खाना पड़े सदा, हाँ कभी कभी तो ये किया जा सकता है, स्वामी कभी कभी तो करेगा लेकिन हमेशा तो नहीं होगा, तस्मात देवता सामान्यम बलियति, तो देवता की समानता बलवान है तो उसके अनुसार होनी चाहिए, अब इसके अनुसार क्या होगा, पुरोडाश में सामान्य के विध्यंत, इसके सान्नय के विध्यंत आने लगेंगे और पय में औषधि के विध्यंत आने लग जाएंगे, कूटना पीटना निस्तुषीकरण
अब कितनी भी गलत बात हो रही है तो सिद्धांत कह रहे नहीं ऐसा नहीं होगा। 32वां सूत्र, विप्रतिपत्तौ हविषा नियम्येता कर्मणस तदुपाख्यत्वात्। बोले अगर विप्रतिपत्ति हो, विरोध हो रहा हो, तो हवि के अनुसार से यहां पर नियंत्रण होना चाहिए, नियमन होना चाहिए। क्यों? कर्म के तदुपाख्यत्वात्, कर्म के साथ में हवि के उपलब्ध होने से। क्योंकि कर्म कर रहे हैं, कर्म के साथ में निकट कौन है? कर्म के साथ में किसकी निकटता है, हवि की या देवता की? तो यूं तो कहेंगे दोनों की निकटता है, देवता भी कर्म से जुड़ा हुआ है और हवि भी जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतरंग कौन है? हवि मुख्य है, क्योंकि हवि से ही कर्म हो पा रहा है, इसलिए हवि के अनुसार से होगा। देखिए एक विशेष बात कह रहे हैं हम इसमें, इसको व्यवहार में भी लगा सकते हैं। देखो देखो अभी और आगे देखते हैं, विप्रतिपत्तो हविषा नियम्येत, विप्रतिपत्ति तावत नहीं, विप्रतिपत्तौ एतस्याम हविर्देवतयोः हविषा विद्यन्तो नियम्येत। तो विप्रतिपत्ति होने पर इसमें हवि और देवता में से हवि का के विद्यंतों का नियमन हो। कुतः कर्मणस तदुपाख्यत्वात्, सूत्रकांश है, खोल रहे हैं, कर्म देवताओं प्रति द्रव्यस्य उत्सर्ग। क्योंकि जो कर्म है वो क्या है? देवता के प्रति द्रव्य का उत्सर्ग है, कर्म में यही तो होता है। और सच हविषु उपाख्यायते उपलभ्यते इति, और ये जो कर्म है वो हवियों में कहा जाता है, हवियों में उपलब्ध होता है। अगर हवि नहीं हो तो कर्म क्या होगा वहां पर? तो कर्म हवि में उपलब्ध होता है। तो हविस्त्यज्यमानम दृश्यते, और कर्म में छोड़ी जाती भी क्या दिखती है? हवि ही तो छोड़ी जाती भी दिखती है। किमतः? बोले इससे क्या हुआ? अतो हवि कर्मणः प्रत्यासन्नम, हवि जो है वो कर्म के निकट है, अंतरंग है। प्रत्यासत्तिश्च लिंगम, और निकट होना ये एक लिंग है कि ये इसी से जुड़ेगा। पूर्व पक्षी कहता है ननु देवता भी यागे ने संबद्धा, देवता भी तो याग से जुड़े हुए हैं। न तया बिना यागो बहुत ही, देवता नहीं होगा तो याग कैसे होगा? तो सिद्धांत कह रहा है उच्चते सत्यम संबद्ध, देवता भी याग से जुड़ी हुई है, लेकिन आराध उपकारिणी तो सब, देवता जो है वो दूर से उपकार करती है याग का। नासौ त्यज्यते, उसको वो छोड़ी नहीं जाती है, याग में छोड़ी नहीं जाती है वो। और तस्मात बहिरंगम, इसलिए वो बहिरंग है। अतो हवि सामान्यम बलि, हवि की समानता बलवान होती है। कई बार ये होता है ना व्यवहार में, हम किसी बड़े व्यक्ति को कुछ देना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं, और साथ में हमारा सेवक भी है जिसके बिना काम नहीं चल सकता है हमारा, और वहां विरोध कुछ आ गया कि किसके अनुसार करें। तो प्रथम दृष्टया तो हम कहेंगे देवता के अनुसार, लेकिन कई बार ऐसा है कि हम अंतरंग अपना जो व्यक्ति होता है ना, जो हमारे साथ रहता है रात दिन, हम उसके अनुसार चलते हैं, देवता के अनुसार नहीं चलते हैं। उस शैली में ये है, हालांकि गलत लगता है ये, पर देवता तो है। अतिथि को बुलाया, मान लो अतिथि कोई, कभी कोई विद्वान आया, कभी कोई विद्वान आया, एक विद्वान आया, और इधर हमारा सेवक है जो रात दिन साल भर हमारे साथ में रहता है, और ऐसे में छोड़ना पड़े तो किसको छोड़ेंगे? बोले जी मैं और भी देवताओं का सम्मान करता हूँ, विद्वानों को खिलाता हूँ, अगर ये ही नहीं रहेगा तो मैं इन्हीं नहीं और विद्वानों को भी नहीं खिला पाऊंगा, इसलिए मेरे लिए तो इनको रखना जरूरी है। अब उसमें कई बार मान सम्मान की बात आ जाती है, वो कहते हैं देखो मेरे कारण से, अपने नौकर के कारण मेरे को छोड़ दिया इसने, कोई नौकर के बिना तो उसका काम नहीं चलेगा, वो तो उसका अंतरंग है, वो तो उसको। और कई बार विद्वान आ जाते हैं, कोई बात हो गई, वो कहते हैं हटाओ इस नौकर को, वो सोचता है कि मैं बड़ा हूं, मेरे को इतने आदर सम्मान से कर रहे हैं, सेवक इसके लिए है, ये मेरे लिए खाना खिला रहा है और मैं ही सब कुछ हो गया, और ऐसे में वो ऐसा निर्देश करते हैं। वो तो विद्वान को या बड़े को भूल करके भी ऐसा निर्देश नहीं करना चाहिए। ठीक है, हो गया हो गया, अब इसका जीवन है, ये इनका मेरा संबंध तो कितना सा है, अतिथि के रूप में आए और थोड़ी देर का आए, फिर अगला अतिथि आ जाएगा, कोई आ जाएगा, इसके साथ तो ये बिल्कुल साथ में रहता है, ये तो इसके अंतरंग है, इसके बिना तो इसका जीवन ही नहीं चल सकता। ऐसे में यहाँ पर निर्णय करने की बात होती है, इन्हें कहा हवि के समान, हवि के अनुसार होना चाहिए। आगे दे तेन अच्छा कर्म संयोग, इसको यूं भी समझिए कि मान लो कोई विद्वान आया, बोले कि जी ये बना दो, अब हमारा हलवाई है वो ऐसा बना ही नहीं सकता, हम बना ही नहीं सकते, अब क्या करेंगे? भाई कुछ और करेंगे, भाई हलवा ही जो बना सकेगा उसके अनुसार करना पड़ेगा वो, अब यहां उसके देवता के अनुसार नहीं करना पड़ेगा। एक और बात आगे कहेंगे, तो 33वां सूत्र, तेन च कर्म संयोगा, तो उसके साथ में कर्म का संयोग होने से, तेन च हविषा संयोज्य कर्म चोद्यते, उसी के साथ जुड़ के हवि को कहा गया है इंद्रम आग्नेयमिति, उससे जुड़ करके हवि को कहा गया हवि प्रधान शब्द। अब ये जो इंद्रम और आग्नेयम है, इसमें किसकी प्रधानता है? यद्यपि हवि देवता के लिए है,
उसके लिए उस तरह से मुख्यता है, लेकिन शब्द की दृष्टि से देखें तो प्रधानता किसके है? शब्द देवता को कह रहा है या हवि को कह रहा है? हवि को कह रहा है, तद्यत है इंद्रम आग्नेयम, हवि को कह रहा है। तो हवि प्रधान है शब्द, शब्द हवि की प्रधानता वाला है। किम अतः, इससे क्या हुआ? पूर्व पक्षी पूछता है तो कहता है अतो हविरत्र बुद्धौ सन्निहितम, इन शब्दों के करने से बुद्धि में जो अर्थ जा रहा है वो हवि का जा रहा है। तल्लिंगम भवति, उसी लिंग वाला होगा यहां पर। कैसे? यथा धूमो बुद्धि विषयताम आपन्नो, धुआं हमारी बुद्धि में है होता हुआ, अग्नेर लिंगम, अग्नि में लिंग बनता है, न विद्यमान, केवल धुआं विद्यमान हो इतने मात्र से अग्नि का लिंग नहीं बनता है, यानी अग्नि का बोध नहीं कराता है। वो धुआं हमारी बुद्धि में जाना चाहिए, या धुआं है तब पिछली व्याप्ति जुड़ेगी और तब हम अग्नि का ज्ञान कर पाएंगे, केवल विद्यमानता से कुछ नहीं होता है। तो ये जो शब्द है ये हवि का वाचक है, वो हमारी बुद्धि में आता है, उसी की प्रधानता है। अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु देवता यत्र श्रूयते इंद्रम आग्नेयम इति, देवता भी तो सुना जा रहा है आपने। अब देखो ये जो पूर्व पक्षी है ना, ये चेतन की पूजा करने वाला है, और सिद्धांत ये वो जड़ को मुख्यता देने वाला है, भौतिकवादी, वो तो चेतनवादी है, और सिद्धांत ये भौतिकवादी है, भूतों की चिंता कर रहा है, हवि की चिंता कर रहा है। 34वां सूत्र, गुणत्वेन देवता श्रुति है। तो सिद्धांत कह रहा है बोले ये जो श्रुति है, मेरे लिए तो श्रुति मुख्य है, और इसमें देवता को गौण के रूप में कहा गया है। कैसे? विशेषणत्वेन देवता श्रूयते हविर विशेष्यत्वेन। अब इसमें विशेषण विशेष्य भाव देखेंगे तो देवता विशेषण है और हवि यहां पर विशेष्य के रूप में है। विशेष्यम च बुद्धम बुद्धौ सन्निहितम भवति न विशेषणम। जब विशेषण विशेष्य भाव से हम किसी अर्थ को जानते हैं तो हमारी बुद्धि में क्या सन्निहित रहता है? कि विशेष्य रहता है, विशेषण नहीं रहता। विशेषण से युक्त होकर के, विशेषण से करके विशेष्य तक पहुंच जाते हैं और अंत में बुद्धि में क्या रहता है? विशेष्य रहता है। तद विशेष्यम विशेष्य, विशेष्यम विशेष्य निवर्तते। तो वो जो तत् का मतलब है विशेषण, वह विशेषण विशेष को विशेषित करके, विशेष्यम विशेष्य विशेषण को विशेष्य को विशेषित करके हट जाता है, उसका काम पूरा हो गया। बोले कथम जायते, बोले विशेष्यानुबंध संयोगात, बोले विशेष्य के साथ अनुबंध को देखे जाने से। जैसे यथा राजपुरुषः पूज्यः, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, राजपुरुषः पूज्य इत्युक्ते, अगर ऐसा कोई कहे तो कौन पूज्य होता है? तो बोले पुरुषः पूज्यो का मैथिल राजा, राजपुरुष पूज्य है। तो यद्यपि राजा ने पुरुष को विशेषित कर दिया, अब राजा तो निवृत्त हो गया, अब केवल पुरुष है, तो पूज्य तो पुरुष ही होगा, राजा नहीं होगा। एवं इहापि इंद्रम पयः, व्याकरण की दृष्टि से कह उत्तर पद की प्रधानता है तो बस वही प्रधान है, वो कौन हो जाएगा, तद्धित में भी ऐसा ही बनेगा। एवं यहापि इंद्रम पयः इत्युक्ते हविर बुद्धौ सन्निधीयते। इंद्रम पयः में बुद्धि में जो सन्निहित होती है वो हवि हो रही है, न देवता, न कि देवता। और यच्च बुद्धौ सन्निहितम तल्लिंगम इत्युक्तम, जो बुद्धि में सन्निहित होगा वही लिंग होता है, जैसे कि धुआं बुद्धि में सन्निहित होने पर ही लिंग होता है, ऐसे। तस्मात हवि सामान्यम बलीय, हवि की समानता बलवान है। अथा ऐन्द्रे पौरोडाशे आग्नेयस्य विध्यंत, ऐन्द्रे पौरोडाश में आग्नेय औषधियों की विध्यंत होंगी। और आग्नेय च पयसि सन्नये से, आग्नेय पय होगा तो उसमें सन्नये के विध्यंत आएंगे। सूत्र की दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं, गुणत्वेन देवता श्रुति, ये सूत्र इत्येतस्य सूत्र से अपरा व्याख्या, इदं पदोत्तरम सूत्रम। सूत्र का अर्थ तो बाद में करेंगे, उससे पहले भूमिका के रूप में कह रहे हैं। यदुक्तम हवि सामान्यम बलीय इति नैतद् युक्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है ये कि आपने जो पीछे हवि की समानता को बलवान माना है ये ठीक नहीं है। क्यों? देवता सामान्यम बलीय इति, देवता की समानता बलवान है, ये तो इसकी प्रतिज्ञा होगी। कुतः? क्यों? सर्वोयम प्रयासो देवता आराधनार्था एव, बोले सारा प्रयास किसके लिए है? देवता की आराधना के लिए है। बिल्कुल ठीक कहना, देखो चेतन की पूजा करने वाला, सर्वोयम प्रयासो देवतानार्थ, देवता आराधनार्थ इति, सास्य प्रसन्ना फलम ददाती, और ये देवता प्रसन्न होती है तभी फल मिलेगा। एवं श्रूयते, क्योंकि ऐसा कहा गया, तृप्ता एव एनम इंद्र प्रजया पशुभिः तर्पयति इति, ये जो तृप्त हुआ हुआ इंद्र है वो इसको प्रजा और पशुओं से तृप्त कर देता है। तो फल देने वाला कौन है? देवता है, इसलिए देवता की प्रधानता है। यश्च इंद्रस्य प्रसादनोपाय इति ज्ञातः, और जो इंद्र की प्रसन्नता का उपाय है, पुनः अपि इंद्रे प्रसादयितव्य स एव आस्तेयो भवति, तो इंद्र को प्रसन्न करने में उसको लाया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। जिससे इंद्र प्रसन्न होता है उसी को लाया जाता है,
इंद्र की प्रसन्नता से फल मिलेगा और इंद्र को प्रसन्न, इंद्र की प्रसन्नता जिससे होती है उसको वहां पर लाया जाता है, इसलिए इन देवता प्रधान है, द्रव्य नहीं। तस्मात देवता सामान्यम बलि है इति, इसलिए देवता की समानता बलवान है। इस पर अत्र ब्रूम है। अब ये गुणत्वेन देवता श्रुति, इसकी व्याख्या, इस सूत्र का अर्थ अब यहां पर आएगा। ये सिद्धांति बोल रहा है, स्याद एतद एवं यदि देवता तः फलम स्याद, ऐसा तब हो जब देवता से फल हो। देवता फल नहीं देता है, उसने कहा था देवता फल देता है, बोले देवता फल नहीं देता है। बोले फल कैसे, यागात तो फलम, फल तो याग से होता है, स्वर्ग काम हो ये जेता है। देखो ये वचन है, इति श्रूयते। और बोले ये जो आपने कहा यत्तु तृप्ता एव एनम इंद्र, ये जो वचन था कि तृप्त इंद्र फल को देता है, तो तत्र इदम उच्यते, उसके बारे में तो अब आगे कथन करते हैं, ये सिद्धांती बोल रहा है। तो देखिए फल कौन देता है, देवता नहीं देता है, याग देता है। तो हम जो देवताओं की, विद्वानों की पूजा करते हैं ना, बोले इससे हमें बहुत पुण्य मिलेगा, तो फल देवता थोड़ा ना देते हैं, विद्वान थोड़ा ना देते हैं, जो हमारा कर्म है, सेवा कर्म है, उससे मिलता है। गरीबों की सेवा मिली की और उनसे हमें फल मिला, तो वो गरीब थोड़े से फल देते हैं। हाँ, उनकी सेवा करने से फल मिलता है, और फिर मिल जाता है तो देखो गरीब ने कहा या उसने ये कहा, उससे उसने हमारे को फल दे दिया, ऐसा गौण कथन माना जाएगा। वास्तव में तो हमने जो कर्म किया है, कर्माशय बना है, उससे फल मिलता है, यानी परमात्मा देता है वो, ये लोग नहीं देते, वो फल नहीं दे सकते। तो गुणत्वेन देवता श्रुति, बोले यागे गुणभूता देवता, याग में देवता गुणभूत होते हैं, प्रधान नहीं होते, पीछे आ ही चुकी है बात। तस्या दातृत्व स्तुत्या उच्यते, उसका जो दातृत्व कहा जाता है कि यही सब कुछ दे रहा है, वो तो केवल स्तुति मात्र है, स्तुति मात्र से प्रशंसा मात्र की जा रही है कि वैसे आप ही से हुआ है, आप ही से हुआ है, ऐसा जो हम लोक में बोलते हैं, बच्चा मेहनत करके उत्तीर्ण हो जाए, बोले नहीं माता पिता का आशीर्वाद है, उसी से हुआ है। तो भाई ठीक है, माता पिता के आशीर्वाद से ही करवा लो फिर, सब कुछ उन्हीं से हो जाता है, तो लेकिन मेहनत से कुछ से होता है। स्तुत्या उच्यते, जैसे उदाहरण दे रहा था, अमात्य ने मे ग्रामो दत्त, सेनापति ने मे ग्रामो दत्त, बोले अमात्य ने, मंत्री ने मेरे को गांव दे दिया, सेनापति ने मेरे को गांव दे दिया, तो बोले न च अमात्य सेनापति वा ग्रामस्य प्रभवती, सेनापति और अमात्य तो गांव का स्वामी ही नहीं है, राजा एव प्रभवती, राजा ही उसका स्वामी होता है। तो इतरस्मिन गुणभूते स्तुत्या दातृत्ववाद, तो दूसरे में गुणभूत होते हुए स्तुति का दातृत्ववाद जो है, ये स्तुति के द्वारा कथन किया जा रहा है। तस्मात यथोक्ते नैव न्यायेन हविः सामान्यम एव बलीय, हविः समानता ही बलवती होती है। कई जने कहते हैं देखो, वो कहे जी मैं आपके पास आया, मैंने आपको ये दान दिया, उसके बाद मेरा ये काम सफल हो गया, आपने मेरा काम सफल करा दिया। वो बोलने वाला भी ऐसा ही बोल रहा है और वो सुनने वाला भी सोचता है कि मेरे में ऐसी शक्ति है कि उसने दिया और मेरे से काम सफल हो गया, तो मेरे को तो पता भी नहीं था कि इसका कौन सा काम होना है, वो तो उसने बाद में आके कहा कि ये काम सफल हो गया है, अब मैंने करवाया होता तो पता तो होता कुछ भी, मैं तो निमित्त बना हूं, इसने पुण्य किया, इसने मेरे को दिया, ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप था, उसका पुण्य कर्माशय बन गया, अब वो ईश्वर की व्यवस्था से वो कर्म ही उसको फल देगा, देवता फल नहीं देता है। तो देवताओं को भी अहंकार करने की जरूरत नहीं है, दान पुण्य कोई कर रहा है तो हम उसमें केवल गुणभूत हैं, कोई हमें दान दे रहा है, यानी हम अपने को विद्वान साधु सन्यासी मान रहे हैं, लोग हमारे को देते हैं, तो उसमें हम एक गुण के रूप में है, अप्रधान रूप में है, केवल एक निमित्त है, गर्व करने की कोई बात नहीं है हमारे लिए, ठीक है, उसके माध्यम से उसका बन जाएगा और परमात्मा की व्यवस्था है, हमारे को भी दो रोटी मिल जाएगी। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणाम। ओ सभी को साधारण।